हेलो, मैं मनीष जस्ट tutors.com से, और आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। इसमें हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीडियन एंड मॉड की। उससे पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस ट्राई करने के बाद आप अपने आंसर्स मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द मीन स्कोर ऑफ ऑल द बैट्समैन। सेकेंड क्वेश्चन, मीन ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 16, फाइंड द नंबर्स। इन दोनों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, आप अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक मिडल वैल्यू, और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन और मोड को यूज़ कर सकते हैं। मीडियन की बात करते हैं। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, हम उन्हें अरेंज करेंगे आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो बीच में वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली इन बिटवीन जो वैल्यू आएगी, वो हमारा मीडियन होगी। तो हमें कोई भी डेटा गिवन होगा, हम उसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हम बीच की वैल्यू को मीडियन बोलेंगे। अब यहाँ पर दो केसेस आ सकते हैं। अगर तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर हैं, जैसे कि 5 ऑब्जर्वेशंस 7 ऑब्जर्वेशंस, तो मीडियन होगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ फॉर्म। सो इट्स लाइक, अगर हमारे पास 7 टर्म्स हैं, 7 add 1 is 8, 8 divided by 2 is 4, दैट मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। लेकिन अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हैं, जैसे कि 6 ऑब्जर्वेशंस या 8 ऑब्जर्वेशंस, तब हम करेंगे 6 by 2 third, एंड 6 by 2 plus 1 is 4th, दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन को लेकर उनका एवरेज यानी मीन निकालेंगे, तो वो हमारा मीडियन हो जाएगा। देख लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन गिवन है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है, हमें इसका मीडियन निकालना है। तो जब हम मीडियन की बात कर रहे हैं, हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। इसको जब हम अरेंज करेंगे, हमने देखा यहाँ पर 16 टर्म्स हैं, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, मीडियन निकालने के लिए एन बाई टूथ टर्म एंड एन बाई टू प्लस वनथ टर्म, दैट मीन्स 8th और 9th टर्म देखेंगे। तो शुरू से 8वीं टर्म जो हमें मिलेगी वो होगी 10, और 9वीं टर्म होगी 14, दैट मीन्स 10 और 14। तो हम इन दोनों का मीन ले सकते हैं, जो कि आएगा 12, दैट मीन्स इन ऑब्जर्वेशंस के लिए मीडियन होगा 12। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मोड की। तो मोड एक ऐसी चीज़ होती है जो फ्रीक्वेंसी को बताती है। जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो उन ऑब्जर्वेशन का मोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है 5, 8, 1, 1, 3, 15, 1, 7। तो यहाँ पर 1 3 बार आ रहा है और बाकी सारा डेटा एक एक बार आ रहा है, मतलब यहाँ पर मोड होगा 1, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो कि है 3 यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 20 ऑब्जर्वेशन गिवन है, और 10 में से कितने मार्क्स स्टूडेंट्स के आए वो गिवन है। तो हम इस डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जब हमने डेटा को अरेंज किया, तो हमने देखा कि 2 1 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 3 बार, 5 2 बार, 6 3 बार, 7 3 बार, 9 4 बार, और 10 2 बार, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा 9 आ रहा है, 9 4 बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मोड हो जाएगा इस ऑब्जर्वेशन के लिए 9। आगे चलते हैं। अब हम मीडियन और मोड निकालना सीख गए हैं, तो हम इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद आप अपने आंसर्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं।
अगर आपके आंसर्स करेक्ट आए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अदरवाइज आप अपने कॉन्सेप्ट्स दोबारा से क्लियर करने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं. एंड फॉर मोर वीडियोज़ लॉग ऑन टू justtutors.com. थैंक यू.